हेलो एवरीवन, आई कोमल खोरकड़े, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। वेलकम टू वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मॉड्यूल। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी पेजर विच इज़ एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड टुडेज टॉपिक इज़ कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम एंड सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। बिफोर स्टार्ट टुडेज टॉपिक, first we discuss about the learning outcomes. After completion of this module, students will be able to understand types of wireless communication system, understand cordless telephone system, understand cellular telephone system. Now we start our topic, that is cordless telephone system. The cordless telephone system is full duplex system, means ये जो सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव भी कर सकती है। नेक्स्ट, बेस स्टेशन इज कंसिस्ट ऑफ रिंगर, एम्पलीफायर, PA, आइसोलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, वन बैटरी चार्जर वायर, टेलीफोन केबल एंड हैंडसेट। मीन्स कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेस स्टेशन एज वेल एज हैंडसेट विच इज कनेक्टेड थ्रू EM frequency. Now see here, the working of modulator and demodulator is, it is used for less power and better quality. Now this is the second example of cordless telephone system. See here, यहाँ पे क्या है, हमारा बेस स्टेशन है और एक हमारा पोर्टेबल हैंडसेट है। जो हमारा बेस स्टेशन है वो क्या है, हमारा फिक्स है, जो हम कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। और सेकंड, जो हमारा हैंडसेट है विच इज़ मूवेबल, वो हम कहीं पे भी लेकर जाके घूम सकते हैं। उसी के साथ जो हमारा बेस स्टेशन है उसके साथ एक वायर अटैच है, वो जो है हमारा केबल, PSTN वायर। और सेकंड और एक केबल अटैच है, वो है हमारा बैटरी चार्जर। मीन्स ये पूरे मोबाइल के लिए चार्ज करने के लिए हमने यूज़ किया ये DC पावर सप्लाई। नेक्स्ट, द कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम आर फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या ये हमारी फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, मीन्स यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। दे यूज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी EM वेव टू कनेक्टेड द बेस स्टेशन टू द पोर्टेबल हैंडसेट। जो हमने EM फ्रिक्वेंसी यूज़ की है वो यूज़ की है बेस स्टेशन और हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट जनरेशन कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस इन 1980s। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कॉर्डलेस सिस्टम था वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 1980s में। इट कंसिस्ट ऑफ द बेस यूनिट कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन एंड अडाप्टर टू प्रोड्यूस अ DC सप्लाई फॉर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनसाइड द बेस यूनिट। जो हमने वहाँ पे देखा था अडाप्टर, वो हमने बैटरी चार्जर के लिए यूज़ किया। द अडाप्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चार्ज द बैटरी यूज फॉर द वायरलेस हैंडसेट। द बेस यूनिट कंसिस्ट ऑफ रिंगर, एम्पलीफायर एंड ऑल दी अदर सर्किट विच आर प्रेजेंट इन साइड द कन्वेंशनल टेलीफोन। क्या क्या यूज़ हो रहा वहाँ पे, रिंगर है, एम्पलीफायर है और है हमारा PA सिस्टम है, और क्या था, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इन एडिशन टू दैट इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांस रिसीवर, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। नेक्स्ट, द ट्रांसमीटर हैज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ कवरेज। इट रेडिएटेड एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द हैंडसेट यूजिंग द सेम एंटीना विच इज़ ओमनी डायरेक्शनल वन। क्या है, जो ट्रांसमीटर की लिमिटेड रेंज है वो है हमारी 50 meters, एंड जो रेडिएटेड सिग्नल रेडिएटेड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं हैंडसेट से, वो हमें क्या हो रहा है, हम सेम एंटीना वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। द हैंडसेट ऑल्सो कंटेन अ ट्रांस रिसीवर अलॉन्ग विद एन एंटीना, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर। क्या है, हैंडसेट में हमारा एंटीना है जो सिग्नल रिसीव एंड ट्रांसमिट करेगा, एम्पलीफायर है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, मीन्स उसमें नॉइस होगा तो वो नॉइस निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं हम, जो भी हमें सिग्नल्स आएंगे, जो हम बोलेंगे सिग्नल्स, हमारे ऑडियो सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है माइक्रोफोन। एंड लाउड स्पीकर यूज़ किया है हमारे साउंड सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन नीड टू बी यूज जनरली EM वेव यूज
एज इट नीड लेस पावर एंड इंश्योर बेटर क्वालिटी। जो हमने मॉड्यूलेशन यूज़ किया है वो हमने लेस पावर और उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी हो, इसलिए हमने यम वेव्स यूज़ किए। द बेस यूनिट एंड हैंडसेट नीड टू हैव द मॉड्यूलेटर एज वेल एज डी मॉड्यूलेटर। अगर हमने सिग्नल को मॉड्यूलेटेड किए तो वो डी मॉड्यूलेटेड भी करने की ज़रूरत होती है। द अर्ली कॉर्डलेस फोन ऑपरेट ओनली एक्सटेंशन टेलीफोन एज डिस्कस, बट द सेकेंड जनरेशन कॉर्डलेस फोन विच आर इंट्रोड्यूस रिसेंटली गो मच बियॉन्ड दिस। नाउ नेक्स्ट, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। अभी हम देखेंगे वर्किंग ऑफ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। अभी सेलुलर टेलीफोन सिस्टम में क्या होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल है हमारा फ़ोन। अभी हम देखेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन का वर्किंग वो कैसे परफॉर्म होता है। देखो यहाँ पे क्या, एक हमारी एक सीटी है, वो सीटी को हमने एरिया में डिवाइड किया है। लाइक देखो से है, वो सिटी को एरिया में डिवाइड किया है और वो एरिया में है हमारा एक टावर, दूसरे एरिया का दूसरा टावर है और यहाँ पे जो है उनके वेरियस जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं वो हमारे फ़ोन है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, एक हमारा जो रहता है फ़ोन लैंडलाइन जहाँ से हम फ़ोन कर रहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का नंबर डायल कर रही हूँ ये फ़ोन में, तो क्या करूँगा, ये जो हमारा फ़ोन है ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा सेंट्रल ऑफिस के पास। मीन्स वो क्या करेगा, नंबर डायल करेगा तो ये जो सिग्नल है ये पहुँच जाएंगे हमारे सेंट्रल ऑफिस के पास। फिर सेंट्रल ऑफिस क्या करेंगे, वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे MTSO के पास। और MTSO मीन्स होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। वो क्या करेगा, ये जो सिग्नल्स आए वो कौन से सेल में है, कौन से एरिया में है, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसी के पास वो सिग्नल भेज देगा। मींस ये जो इसने फ़ोन किया है, पहले ये सिग्नल आएंगे हमारे सेंट्रल ऑफिस के पास, सेंट्रल ऑफिस हमारे फिर वो सिग्नल्स को, वो जो सबक्रैशन का नंबर है वो पहुँचाएंगा हमारा MTSO के पास और MTSO फिर आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो सिग्नल्स है, वो जो नंबर है, वो कौन से सेल में है। फिर उसको वो कॉल करेंगे और हमारा कॉल डन हो जाएगा। तो जो हमारा MTSO होता है वो हर एक सेल को कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा MTSO, ये हर एक सेल को यहाँ पे कनेक्टेड है और फिर वो कनेक्टेड है उसी के साथ वो जो उसको टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन है और कुछ बिलिंग का है, वो सब इंफॉर्मेशन रखेगा हमारा MTSO। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ इस सेल में और मैं जा रही हूँ इस सेल में, मीन्स ये हमारा एक एरिया है, मैं ये एरिया में से जा रही हूँ दूसरे एरिया में, तो वो जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो वो कॉल कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे डिसकनेक्ट नहीं होता, वो कैसे फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है वो देखेंगे। जो हमारा शेप है वो हेक्सागोनल क्यों है वो भी हम देखेंगे। जो दिख रहा है हमें यहाँ पे शेप है हमारा हेक्सागोनल, ना सर्कुलर है ना स्क्वायर शेप में। तो देखो क्या होता है, ये हमारी एक सिटी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे बेस स्टेशन मीन्स के हमारे टावर और ये है सपोज़ हमारे ये कार में हमारा फ़ोन। तो मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ से, तो क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे हूँ इस एरिया में हूँ तो ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये सिर्फ यहाँ की फ्रीक्वेंसी, ये बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे सेल दिख रहे वो एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जब ये हमारी कार है वो मूव हो रही है, देखो यहाँ पे ये कार आई यहाँ से, यहाँ पे ये मूव हो रही है, तो क्या होता है, ये पहले यहाँ तक यही सिग्नल यूज़ करते हैं लेकिन जब ये यहाँ आती है तो ये इस बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारे एक सिटी से हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं हैंड ऑफ। क्या बोलेंगे, उसी को हम हैंड ऑफ बोलेंगे। वो प्रोसेस मतलब होती है हमारी हैंड ऑफ, मीन्स वहाँ पे कोई भी हमें, कोई भी हमारा नॉइज़ क्रिएट नहीं हो रहा, हमारा फ़ोन डिसकनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे हैंड ऑफ सिस्टम। अभी हम देखेंगे, देखो इसका वर्किंग क्या है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम इज़ बेसिकली वायरलेस टेलीफोन सिस्टम, इट इज़ अ मल्टी यूज़र सिस्टम। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। सेलुलर फोन इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन जस्ट लाइक अ कॉर्डलेस टेलीफोन। है हमारा जैसे कॉर्डलेस फ़ोन था वैसे ही हमारा सेलुलर फ़ोन है, लेकिन हमारे कॉर्डलेस में एक बेस स्टेशन अवेलेबल था हमारे फ़ोन के साथ, बट सेलुलर फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। इन सेल फोन डिस्टेंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू विद इन अ होम, बट वन कैन ट्रैवल इन द सिटी और इवन आउटसाइड द सिटी विदाउट इंटरप्शन इन कम्युनिकेशन। क्या होता है इसमें कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मीन्स हम इसी एरिया में रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारी सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में भी गए हमारा फ़ोन लेके, तो हमारा कॉल डिसकनेक्ट नहीं होगा। इन अ सेल फोन, सॉरी, द डिमांड फॉर सेलुलर मोबाइल फ़ोन इज़ इंक्रीजिंग
at alarming level act is like that wired communication will be replaced by the wireless technology. क्या क्या था जो हमारा वायर्स कम्युनिकेशन था, जो हमारा कॉर्डलेस में था, क्या था, एक स्विच था, उसको बैटरी चार्ज करने थे, ऐसा था स्विच. किसी के साथ अगर मुझे फ़ोन रखना है मेरा, तो उसके साथ हमें PSTN केबल था, बट हमारे सेलुलर फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट, द इन द सेलुलर सिस्टम सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉल एरिया कॉल्ड सेल. ईच सेल इज अराउंडेड 10 square kilometer. डिपेंड्स अपॉन दी पावर ऑफ बेस स्टेशन. क्या है, हमने अभी देखा डायग्राम में, जो हमारी सिटी है वो सिटी हमारे स्मॉल स्मॉल एरिया में कन्वर्ट की है. नेक्स्ट, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. अभी क्या है, द सेल आर नॉर्मली थ्रू आउट हेक्सागोन्स बिकॉज सेल फोन एंड बेस स्टेशन यूज अ लो पावर ट्रांसमीटर्स. द सेम फ्रिक्वेंसी कैन बी रीयूज इन नॉन एडजेसेंट सेल. क्या होता है, जो नॉन एडजेसेंट सेल है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जा रही हूँ, तो वहाँ पे हमारा कॉल क्या हो रहा, एंड नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को कनेक्टेड है वो जो सेल्स है वो. इसलिए हम सेल्स कौन से यूज़ करते हैं, हमारे हेक्सागोनल सेल्स. दी कम्युनिकेशन बिटवीन बेस स्टेशन एंड मोबाइल इज डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड कॉल्ड कॉमन एयर इंटरफेस. क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है हमारा बेस स्टेशन एंड मोबाइल, उसको हम बोलेंगे कॉमन एयर इंटरफेस, दैट इज CAI. दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द फॉलोइंग 4 different channels. अभी वो भी जो है उसके हमारे 4 different channels है. तो फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड वॉइस चैनल, सेकेंड रिवर्स वॉइस चैनल, थर्ड फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, फोर्थ रिवर्स कंट्रोल चैनल. अभी हम देखेंगे चैनल, ये फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, रिवर्स कंट्रोल चैनल क्या होता है. तो देखो, फॉरवर्ड वॉइस चैनल इज डिफाइन एज द चैनल यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल. मीन्स बेस स्टेशन टू मोबाइल के साथ जो हम सिग्नल्स भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वॉइस चैनल. वेयर एज द रिवर्स वॉइस चैनल मीन्स द चैनल यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन. अभी मेरे मोबाइल से बेस स्टेशन पे जो वॉइस ट्रांसमिशन हो रहे, उसको हम बोलेंगे रिवर्स वॉइस चैनल. नेक्स्ट, द FCC एंड RCC मीन्स फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशलाइजिंग द मोबाइल कॉल. किसके लिए है ये, अगर मुझे फ़ोन करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे FCC एंड RCC चैनल. और उसी चैनल को हम बोलते हैं सेटअप चैनल. द कंट्रोल चैनल ऑन द सेटअप द कॉल्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेटअप चैनल. नाउ द कंट्रोल चैनल आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, मैसेज कैरिंग, कॉल इनिशलाइजिंग एंड सर्विस रिक्वेस्ट. क्या करता है ये, जो हमारा मैसेज है उसको ट्रांसमिट करना है, अगर सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट और रिसीव करने, उसका काम हमारे करेंगे फॉरवर्ड चैनल एंड रिवर्स चैनल. नाउ ये था हमारा वर्किंग ऑफ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम. सो थैंक यू.